दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस घंटी वाले आइकन को भी जो है क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फोन पे के लिए एक ऐसा ट्रिक जिससे आपके फोन पे वॉलेट में जो कैशबैक मिलते हैं उनको आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि फोन पे में अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरह के कैशबैक ऑफर मिलते हैं, लेकिन वो वॉलेट में आते हैं, कुछ तो बैंक में आ सकते हैं, आप उसे विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कैशबैक ऐसे मिलते हैं जिन्हें आप बैंक में विड्रॉ नहीं कर सकते। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम फोन पे ओपन कर लेते हैं और मैंने ये करके देखा है इसलिए मैं आपको ट्रांजेक्शन में मैं दिखा भी दूंगा। तो देखिए, यहाँ पर ट्रांजेक्शन में मैं जाता हूँ, मुझे एक मोबाइल रिचार्ज में मिला था 26 रुपये कैशबैक के रूप में, जो कि मेरे वॉलेट में आया था और उसे मैं बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकता था। तो यहां पर मैंने क्या किया कि गोल्ड खरीद लिया, यानी कि सोना जो डिजिटल गोल्ड है वो मैंने खरीद लिया था 26 रुपए का, और उसके एक घंटे बाद मुझे 24 रुपए 35 पैसे मिल गए उसे बेचने पर, जो कि मेरे बैंक अकाउंट में आए, वो मेरे वॉलेट में नहीं आए, मेरे बैंक अकाउंट में आए। तो आप भी क्या किया कीजिएगा कि जब भी आपको वॉलेट में इस तरीके का कैशबैक जितना भी मिले आप उससे गोल्ड खरीद लीजिए और उसे फिर कुछ देर बाद बेच भी दीजिए। हालांकि जिस रेट में आप खरीदे होंगे उससे थोड़ा कम प्राइस आपको मिलेगा, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में सीधे वो डायरेक्टली डेबिट हो जाएगा, तो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फोन पे वॉलेट बैलेंस को अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, होम में जाएंगे तो यहाँ पर गोल्ड के ऊपर आपको ऑफर दिख रहा होगा, तो इसमें क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आप 1 रुपये से चाहे कितने रुपये तक का भी गोल्ड खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे 1 रुपये भी अगर डाल दें तो भी आपको इतना ग्राम सोना यहाँ पर मिल रहा है, तो इतना आप जो है बाई कर लीजिए अपने वॉलेट से और उसके बाद क्या कीजिए कि इसको फिर से सोल्ड कर दीजिए, बेच दीजिए यहीं से कुछ देर बाद। तो वो क्या होगा कि 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे वापस आ जाएंगे, उससे थोड़ा बहुत कम आएगा लेकिन आपके पैसे आ जाएंगे आपके सीधे बैंक अकाउंट में। इसके अलावा भी ट्रिक है, अगर आप फ्लिपकार्ट में जाकर कोई चीज़ परचेस करते हैं तो वहाँ पर फोन पे वॉलेट और अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से खरीदिए कोई चीज़, उसके बाद क्या कीजिए उसे तुरंत कैंसिल कर दीजिए, तो उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ये भी ट्रिक है। तो आशा रखता हूँ दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।